नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार कंफर्म कर दीजिए, इज आई एम ऑडिबल और नॉट, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, ठीक है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं उनको वन बाय वन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने वुड्रो विल्सन के बारे में समझा था, आज हम फ्रेडरिक टेलर संबंधित, उनका क्या योगदान रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों हम पढ़ रहे हैं फ्रेडरिक टेलर को, उनके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को यूपीएससी सीएससी का अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पर आप लाइव टेस्ट, लाइव क्विज होती है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, यहाँ पर ऐसा नहीं एग्जाम में कुछ और आएगा, आपको पढ़ाया कुछ और जाएगा, नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस है यहाँ पर। सपोज कीजिए आपने यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर से ही सारे सब्जेक्ट पढ़वा दिए जाएंगे या फिर आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन दिया गया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी एजुकेटर यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे होंगे, आप किसी की भी क्लास को जाके एनरोल कर सकते हैं। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, जाइए प्ले स्टोर में नाउ और इसको डाउनलोड कीजिए। नाउ कंप्लीट लाइव क्लासेस इन योर पॉकेट। अब बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस के टाइप की, उसके अमाउंट्स की और ड्यूरेशंस की। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस की। नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस के आप एक महीने से लेकर और 36 मंथ तक अपना ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपको फैसिलिटीज दी जाती है, यहाँ पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती है, डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज होती है। तो इस लाइव क्लासेस में जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज, आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज में आप डेली बेसिस पर पार्टिसिपेट करके खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो इसका अमाउंट है 49,500 रुपीस, अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो इसका अमाउंट है 72,000 रुपए, और अगर आप 36 मंथ के लिए जाते हैं तो इसका अमाउंट है 90,000, यानी 90,000 रुपए में आपको लगभग 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में काफी सारी फैसिलिटीज और ऐड कर दी गई है फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी। देखिए, जैसे आप यहां पर आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, और भी काफी सारी फैसिलिटीज है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो इसका अमाउंट है 69,500 रुपीज। अगर आप 24 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो इसका अमाउंट है 1,07,000, और अगर आप 36 मंथ के प्लान के लिए जाते हैं तो इसका अमाउंट है 1,41,000। यहां पर भी आप क्या करेंगे, जो आपको जो अमाउंट दिया गया इसमें अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माय रेफरल कोड। आप ये RSB1 रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, अभी 31 अक्टूबर तक एक इंट्रोडक्टरी ऑफर स्टार्ट किया हुआ है अनअकैडमी ने। अगर आप 12 महीने का GS का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका अमाउंट है 49,000। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप इसके साथ क्या होगा, जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम साइड ऑफ अनअकैडमी। वैसे अगर आप बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की, अगर 12 महीने के मैं बात करूं 12 मंथ्स के अमाउंट की, तो उसका अमाउंट है 27,500 रुपीज। लेकिन अगर आप 31 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है। ये सारे के सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, PSIR है, ये लिटरेचर की है, 4 लिटरेचर, ठीक है, ये सब आपको जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है इन सबकी लिस्ट है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, आपको दिखाया गया 12 मंथ्स की मैं बात करूं, 12 मंथ्स की ऑप्शनल की जो फीस है 27,500 रुपीज है। लेकिन अगर आप 12 मंथ्स, अभी आप 31 तारीख से पहले अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं GS का, तो आपको ये जो आपको फीस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, यानी 49,500 में ही आपको ऑप्शनल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहां पर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यू कैन यूज माय रेफरल कोड, दैट इज RSB1, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे। चलिए फिर, ये कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैंने MTech किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, पिछले 10 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने और पढ़ाने का शौक है। इसी शौक ने बहुत सारे स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी में उनके मुकाम तक पहुंचाया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर स्टडी। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो
जो भी मेरी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। लेक्चर नंबर हमारा आज फोर्थ, ठीक है। लेक्चर इससे पहले हम 3 लेक्चर और कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, ठीक। फिर हमने वुडरो विल्सन पे आ गए। हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करा रहा हूं मैं कि वो रटाफिकेशन वाला चलता रहे, वो घजड़पचड़ वाला सिस्टम चलता रहे कि पहले यूनिट करनी है, दूसरी फिर तीसरी, ऐसे मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले में डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया, फिर आपको वुडरो विल्सन पे लिखा है, वुडरो विल्सन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में उन्होंने कैसे लिखा, ठीक है। उसी ने ही एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, यानी एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन की शुरुआत करी, ये हम जान चुके हैं। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर के बारे में बात करेंगे, क्या योगदान रहा फ्रेडरिक टेलर का। फ्रेडरिक टेलर एक इंजीनियर थे, ठीक है, सिविल इंजीनियर थे, लेकिन ऐसा इनका क्या योगदान रहा कि हम इनको पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फ्रेडरिक टेलर का योगदान जो रहा, बहुत शानदार तरीके से समझिएगा। आपको मेरी इस स्लाइड्स में जहां पर भी, ठीक है, बोल्ड लेटर चमके, जहां पर भी बोल्ड लेटर चमके, समझ लीजिए उन बोल्ड लेटर पे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोल्ड लेटर पे भी क्वेश्चन बन सकता है? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं कि आपको कंटिन्यू क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक, प्रैक्टिस करते रहना। मैं खुद भी आपको क्वेश्चन देके जाऊंगा और जो भी स्लाइड्स के अंदर बोल्ड लेटर दिखाई दें उस पर आप थोड़ा सा सोचिए, कोशिश कीजिए 2-3 लाइन लिखने की, मैक्सिमम ज्यादा मत लिखिए, 2-3 लाइन लिखने की कोशिश कीजिए। शुरुआती दौर है आपका, आप 2-3 लाइन लिखेंगे अभी भी, आगे आपको टाइम मिलेगा, जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर आप काफी कुछ लिख पाएंगे, 2-4 हो जाएंगी लाइनें, 5 हो जाएंगी, बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहले फ्रेडरिक टेलर के बारे में बात करते हैं। देखिए जो फ्रेडरिक टेलर है, इनको W.F.W. टेलर और फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको क्या बोलते हैं? इनको फादर बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का। डोंट वरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। जैसे आपको वुडरो विल्सन को क्या बोलते थे? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनको क्या बोलते हैं? टेलर को, फ्रेडरिक टेलर को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ 1856 में, हमेशा याद रखिए, मैं जब भी कोई आपको थिंकर्स पढ़ाऊंगा तो थिंकर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। अब ये नहीं कि थिंकर के की वाइफ का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या, पेरेंट्स क्या करते थे, ये आपको नहीं पढ़ना है, ना ही ये इस तरीके का सवाल आएगा कि राइट डाउन समथिंग अबाउट द फ्रेडरिक टेलर, ऐसा नहीं आता यूपीएससी में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप, मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अगर आपने इंट्रोडक्शन में कुछ, मान लीजिए फ्रेडरिक टेलर से संबंधित कोई सवाल है और आपने इंट्रोडक्शन में फ्रेडरिक टेलर के बारे में लिख दिया, तो समझ लीजिए आपके आंसर वो सोने पे सुहागा, एक मुहावरा है ना, तो वो बात जाती है। तो आपको बड़े अच्छे से इसको पढ़ना है, समझ आए। तो फ्रेडरिक टेलर का जन्म जो हुआ, बोर्न लिख दिया, बोर्न 1856 में हुआ, एक ये चीफ इंजीनियर थे। क्या थे? चीफ इंजीनियर थे और सिविल में, ठीक है, ये क्या थे? चीफ इंजीनियर थे, ठीक है, एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, एज ए जर्नल मैनेजर का की पोस्ट पे इन्होंने काम करा, इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक है। ये क्या चीफ इंजीनियर थे, फिर बाद में ये जनरल मैनेजर की पोस्ट पे इनका अपग्रेडेशन हुआ, किसमें? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक। और टेलर का जो था, टेलर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो रहा है कुछ उसके फेमस कर रहे, इन्होंने जो मेन सबसे जबरदस्त काम किए हैं, वो काम किए हैं पीस रेट सिस्टम पर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पीस रेट सिस्टम क्या होता है। शॉप मैनेजमेंट पर, द आर्ट ऑफ कटिंग टूल्स पर, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। आप कुछ समझ रहे हैं? आपने कुछ देखा, बंदा चीफ इंजीनियर है, ठीक, जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रहा, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और हम पढ़ पा रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं। भाई आप यू विल बी द फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होंगे आने वाले समय में, आप यू विल बी एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे जो फ्रेडरिक टेलर है, ये इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री की बात करेगा, सब कुछ इंडस्ट्री की बात करेगा, इस पे आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, सब कुछ ये इंडस्ट्री की बात करेगा, ये प्रोडक्शन की बात करेगा,
ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात करेगा, एफिशिएंसी की बात करेगा, द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, उन सब की बात करेगा, लेकिन फिर भी इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा जाता है। लास्ट में आपको जवाब देना है इस लेक्चर के, आज बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अब बात करते हैं कि फ्रेडरिक टेलर ने क्या कहा। तो पहले है जो फ्रेडरिक टेलर है, उन्होंने उनका योगदान था किसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल की शुरुआत करने में। किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ स्कूल की शुरुआत करने में ही सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, सबसे बड़ा योगदान रहा फ्रेडरिक टेलर का। फ्रेडरिक टेलर एक बात कहते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो फैक्ट्री हो या इंडस्ट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी के अंदर साइंटिफिकली वे के मैनर के तहत काम करना चाहिए। सभी इंडस्ट्री में साइंस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा साइंस का इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। तो क्या कहा फ्रेडरिक टेलर ने कहा कि हर जगह, कोई इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर साइंस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, यानी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ये किसने कहा फ्रेडरिक टेलर ने कहा। यानी कि इनका मतलब था, ये क्या कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि साइंस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए बिजनेस के अंदर। ठीक है, साइंस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए बिजनेस के अंदर, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ये किसने कहा, फ्रेडरिक टेलर ने कहा ये बात। जो फ्रेडरिक टेलर है ये क्या कहते हैं, अब समझिए, यहां पे समझिए, आप यहां पे एक चाय का प्याला देख रहे होंगे, ठीक है, एक चाय का प्याला देख रहे हैं आप। अब समझिए साइंस के इस्तेमाल की क्यों बात कर रहे हैं फ्रेडरिक टेलर। मैं ज्यादा बड़े वो इंडस्ट्री के लहजे में बात कर रहे हैं, हम थोड़ा और आम भाषा में समझते हैं। अब यहां पे आप चाय देख रहे हैं, चाय बन रही है, ठीक है, मान लीजिए चाय क्या है, चाय के अंदर आपने, आपसे बोल दिया जाए, ज्यादातर सेफ से भी मैं बात करूं, जो बड़े बड़े सेफ होते हैं जो बनाते हैं चाय वगैरह, वो क्या करते हैं, आप घर में भी अपनी क्या करते हैं, आपसे बोल दिया 2 कप चाय बना दो, तो आप क्या करेंगे, चाय लेंगे, पानी गिरेंगे, उसमें चाय पत्ती गिरेंगे और चीनी गिरेंगे और अंदाजे से चाय बना देंगे। ठीक है, तो एक अंदाजा, हर कोई एक अंदाजा इस्तेमाल करता है। हलवाई भी देखो, हलवाई सब्जी बनाता है तो एक अंदाजा रखता है कि अंदाजे से गिरा उसने और बना लिया। इस अंदाजे वाले सिस्टम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूल ऑफ थंब। क्या बोलते हैं दोस्तों, रूल ऑफ थंब। क्या बोलते हैं, जो अंदाजे से चाय बनाई जाती है उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब बोलते हैं। अब समझो रूल ऑफ थंब, अंदाजे से सब कुछ, इस ये चाय पत्ती आप देख रहे हैं, ये चाय देख रहे हैं, चाय बनाने का, ठीक है, तो इसमें आपने जैसे बड़े बड़े होटल में भी क्या होता है, बहुत बड़े बड़े होटल में भी जो बड़े बड़े सेफ भी सेफ होते हैं जो चाय बनाते हैं या सब्जियां बनाते हैं, वो क्या करते हैं, लिया अंदाजे सब कुछ, अंदाजे से नमक गिर दिया, अंदाजे हल्दी गिर दी, अंदाजे से मिर्च गिर दो, अंदाजे से, तो मान लीजिए उसने 10 बार सब्जी बनाई या फॉर एग्जाम्पल 10 बार चाय बनाई, तो आपको ये मानना पड़ेगा 10 बार में से अगर उसने 7 बार अच्छी बनाई तो कम से कम 3 बार गड़बड़ करेगा। तो जो अंदाजे के तहत जो चाय बनाई जा रही है इसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। क्या बोलते हैं दोस्तों, रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब। लेकिन फ्रेडरिक टेलर कहते हैं यार ये चाय बनाने के लिए रूल ऑफ थंब हम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे गलत है, रूल ऑफ थंब सबसे गलत है, ये तरीका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आपको एक साइंटिफिकली अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब साइंटिफिकली अप्रोच का मतलब है, मान लीजिए अगर आप चाय बनाने की बात कर रहे हैं तो चाय में आपको क्या है, एक साइंटिफिकली अप्रोच इस्तेमाल करनी है कि अच्छा आपको 2 कप चाय बनानी है तो हम उसमें इतना दूध गिरेंगे, एक मेजरमेंट रखनी है कि 2 कप चाय बनानी तो इसमें हम दूध गिर इतना गिरेंगे, इतना पानी रखेंगे, इतनी चाय पत्ती रखेंगे, इतनी चीनी रखेंगे। ठीक है, तो आपको साइंटिफिकली एक मैनर क्या करना है, तैयार कर, साइंटिफिक मैनर की तरह एक प्रोसेस तैयार करना है, और यानी एक मेजरमेंट तैयार करनी है, आप उस मेजरमेंट को लिखेंगे और उस मेजरमेंट को आपने लिखने के बाद अगर कोई भी उस मेजरमेंट के तहत चाय बनाएगा, जो आपने मेजरमेंट लिखी है उस मेजरमेंट के तहत अगर कोई भी चाय बनाएगा तो चाय अच्छी बनेगी। ये किसने कहा, ये कहा आपका फ्रेडरिक टेलर ने। यानी फ्रेडरिक टेलर ने रूल ऑफ थंब को बिल्कुल नकार दिया और उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली मैनर, साइंटिफिक मैनर यानी कि साइंस का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाना चाहिए कहीं पर भी, चाहे वो चाय बनाने की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो। ठीक है, तो उन्होंने किसकी बात करी, उन्होंने कहा कि रेस्ट ऑन प्रिंसिपल्स और लॉस ड्राइव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक
इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। तो वो कहते हैं, जैसे मैंने चाय का एग्जांपल बताया, कि आपको चाय बनाने के लिए एक मेजरमेंट रखना पड़ेगा कि हम इतनी दो कप चाय के लिए इतना पानी रखेंगे, इतनी चाय पत्ती रखेंगे, इतनी चीनी रखेंगे। तो यानी कि आपको एक प्रिंसिपल तैयार करना पड़ेगा, एक रूल्स रेगुलेशन तैयार करना पड़ेगा, ताकि कोई भी आदमी आके क्या करे, क्या कोई भी आदमी आके इस चाय समझिए कि चाय बना ले। तो ये बात करी किसने, फ्रेडरिक टेलर ने संबंधित। आगे फ्रेडरिक टेलर क्या कहते हैं, फ्रेडरिक टेलर कहते हैं कि वर्क शुड बी साइंटिफिक, नॉट बेस्ड अपॉन ट्रायल एंड एरर और इंडिविजुअल जजमेंट और ओपिनियन। फ्रेडरिक टेलर बोलते हैं कि जो कार्य किया जाए ना, कोई भी कार्य किया जाए, वो साइंटिफिकली दृष्टि से किया जाना चाहिए, यानी साइंस उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि अंदाजे से कर लो, ठीक, अंदाजे से नहीं किया जाना चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के ओपिनियन ले लिया, ऐसा नहीं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके, आप फॉर एग्जांपल, आपको चाय बनानी नहीं आती, मैं चाय का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको चाय बनानी नहीं आती, ठीक, तो आप अंदाजे से चाय ना बनाए, अच्छे अंदाजे से काम करते हैं, दो लोगों की चाय बनानी है तो इतना चीनी पत्ती के लेते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसको नकार दिया फ्रेडरिक टेलर ने। फ्रेडरिक टेलर का अंदाजे से कुछ नहीं करना और ना ही किसी दूसरे आदमी का ओपिनियन लेना है, ठीक, किसी आदमी से पूछ लिया, अच्छा मुझे नहीं आती उससे पूछ लेता हूँ। अब जरूरी थोड़ी है कि वो भी साइंटिफिकली वे अप्रोच कर रहा हो, उसको ना पता हो वो क्या कर रहा हो, वो भी अंदाजे से कर रहा हो, क्या होगा, आपकी चाय गलत हो जाएगी। तो रूल ऑफ थंब नहीं इस्तेमाल करना आपको, रूल ऑफ साइंस इस्तेमाल करना है, ये साइंटिफिकली मैनर आपको इस्तेमाल करना है। यहां पे कहते हैं जो फ्रेडरिक टेलर ने जो बोला है, दो वर्ड आप देख रहे होंगे, हिट और मिस और रूल ऑफ थंब, एक ही बात है, यानी हिट ऑफ, हिट और मिस और रूल ऑफ थंब का मतलब आप समझ रहे हैं, जब हम अंदाजे से किसी काम को करते हैं, जैसे चाय हमने बनाई तो चाय पत्ती अंदाजे से गिरी, चीनी अंदाजे से गिरी, दूध अंदाजे से गिरा, पानी अंदाजे से गिरा, ये होता है रूल ऑफ थंब और हिट और मिस, ठीक है। आप उसके बाद जो विड्रो विल्सन ने बढ़ावा दिया है, किसको, विड्रो विल्सन ने रेशनैलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्पेशलाइजेशन एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस को क्या किया है, वुड्रो विल्सन ने इन सभी को बढ़ावा दिया है। और वुड्रो विल्सन, इस वुड्रो विल्सन ने कहा, फ्रेडरिक टेलर ने एक बात बोली है, फ्रेडरिक टेलर ने एक बात बोली कि फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, समझिए क्या बोला है फ्रेडरिक टेलर ने। फ्रेडरिक टेलर बोलते हैं कि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा खोज करनी है, किसकी, उन तरीकों की, उन साइंटिफिक तरीकों की, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़े, क्या बढ़े, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े। तो समझो अभी तक जो आपके फ्रेडरिक टेलर ने क्या बोला, फ्रेडरिक टेलर ने यही बात कही कि आपको, फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ स्कूल की शुरुआत करी। फ्रेडरिक टेलर ने क्या बोला, फ्रेडरिक टेलर ने कहा कि रूल ऑफ थंब के तहत, यानी कि आपको अंदाजे से कोई कार्य नहीं करना है, आपको हर कार्य साइंस की नजर से करना है, यानी साइंस को बढ़ावा देना है, आपको अंदाजे से कुछ नहीं करना है। अगर आपको चाय भी बनानी है तो चाय भी बनाने के लिए आप साइंस का इस्तेमाल कीजिए, साइंस के जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट को लिख लीजिए, उन रिजल्ट से अगर कोई भी अनजान आदमी भी चाय बनाएगा तो वो भी ठीक बनाएगा, ठीक है। ये किसने कहा, ये फ्रेडरिक टेलर ने इस बात को बोला। तो फ्रेडरिक टेलर ने किसके किसके और फोकस किया, स्कूल ऑफ, यानी साइंस, साइंटिफिकली मैनेजमेंट स्कूल की बात करी, यानी साइंस को बढ़ावा देने की बात करी किसने, फ्रेडरिक टेलर ने, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके समझते हैं इनका काम का कितने पार्ट में था। इनका जो काम था वो तीन कैटेगरी में बांटा गया है, नंबर एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज द एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तीन इनके जो जो इन्होंने कार्य किया उसको तीन हिस्सों में बांटा गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज द एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तीनों को वन बाय वन समझेंगे बहुत आसानी से, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहले बात करते हैं नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। इन्होंने तीन, मैंने बताया ना, तीन इनके मेन फंक्शन रहे, तीन इन्होंने जिनके कार्य रहे उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को समझिए, तो इसमें बोला है टेलर ने क्या कहा है, यहां पे टेलर ने बात की है पुअर प्रोडक्टिविटी एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी। यहां पे टेलर कहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर
पुअर प्रोडक्टिविटी और लॉस ऑफ एफिशिएंसी, यानी कम एफिशिएंसी की किसने बात की है, टेलर ने बात की है। इंडस्ट्री के अंदर पुअर प्रोडक्टिविटी की प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है और एफिशिएंसी क्यों कम है, इससे संबंधित टेलर ने बात की है। राइट, एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, शायद कोई मैसेज था, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो ये क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ, एक मिनट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो टेलर है उसने बात की है कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी क्यों कम है और एफिशिएंसी क्यों कम है, इन दोनों की बात करी इसने, टेलर ने बात की। तो टेलर ने बताया कि इसके दो सबसे बड़े कारण क्या हैं कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन क्यों, प्रोडक्टिविटी क्यों कम होती है और एफिशिएंसी क्यों कम होती है। तो इसके दो कारण बताए टेलर ने। नंबर एक बताया टेलर ने, लेजी मैनेजर्स। नंबर एक बताया लेजी मैनेजर्स। तो ये देखिए मैनेजर कैसे सो रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो लेजी मैनेजर की बात की है। जो आपके टेलर है वो बोलता है कि जो प्रोडक्टिविटी कम है इंडस्ट्री की और एफिशिएंसी कम है काम करने की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसका रीजन है सबसे बड़ा नंबर एक लेजी मैनेजर। क्या लेजी मैनेजर, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर शिफ्टेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्कर्स। मैनेजर क्या करता है, अपना कार्य अपने वर्कर्स पे डाल देता है, ठीक है। मान लीजिए काम ऊपर से उसको आया तो खुद नहीं करेगा, अपने वर्कर्स पे डाल देगा, नंबर एक बात। दूसरा क्या करता है मैनेजर, क्या करता है, मैनेज अफेयर टू कंपनी ऑन रूल ऑफ थंब रेदर देन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। टेलर कहते हैं जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और उसकी एफिशिएंसी कम है, तो वहां पे जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, रूल ऑफ थंब पे काम करते हैं, ना कि साइंटिफिकली मैनर के अकॉर्डिंग, ठीक। रूल ऑफ थंब मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखिए चाय पत्ती वगैरह, ठीक है, सबको क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम करते हैं मैनेजर और साइंटिफिकली प्रिंसिपल को बढ़ावा नहीं दे रहे, उसी की वजह से उनकी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तीसरी बात करता है वर्कर हैज टू टेक ओन इनिशिएटिव्स, यानी कि वर्कर्स को कुछ बताते नहीं है, वर्कर तो खुद ही अपने आप ही अकॉर्डिंग, ठीक है, मैनेजर्स का क्या होता है, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में लंबी चौड़ी दूरी बनी होती है, वो अपने ऑफिस से कैबिन से निकलता नहीं है, अपने कैबिन में ही बैठा रहता है, वर्कर से कोई भी किसी तरह की कोई डीलिंग नहीं होती, तो वर्कर खुद ही अपने अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैनेजर है, मैनेजर को क्या करना चाहिए, साइंटिफिकली अप्रोच से चीजों को सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और फिर उसी सोच समझ को अपने वर्कर्स को बताए, फिर वर्कर्स उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब मान लीजिए मैनेजर क्या कर रहा है, रूल ऑफ थंब पे काम कर रहा है, यानी वर्कर से बोल दे कर लो भाई अपने अंदाजे से कर लो जैसे तुमको करना है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्टिविटी किसी भी इंडस्ट्री की और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, राइट। तो क्या बताया गया यहाँ पे, और इससे और तो बोला गया है, टेलर बोलते हैं कि मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजर को काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैनेजर को एंगेज होना चाहिए, किसमें, प्लानिंग में, यानी कि मैनेजर को प्लानिंग करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए, कंट्रोलिंग करनी चाहिए, बजटिंग करनी चाहिए, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क, ठीक है। यानी कि जो टेलर बोलते हैं, टेलर कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की, किसी भी फैक्ट्री की अगर प्रोडक्टिविटी कम है या लो एफिशिएंसी है, तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, दैट इज लेजी मैनेजर, यानी कामचोर क्या, मैनेजर का। अब लेजी मैनेजर, उसने बताया कि जो लेजी मैनेजर है वो क्या करते हैं, अपना खुद का काम किस पे डाल देते हैं, अपने वर्कर्स पे डाल देते हैं, और या फिर मैनेजर क्या करते हैं, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम करते हैं, साइंटिफिकली अप्रोच को नहीं अडॉप्ट करते, ठीक। और यहां पे टेलर ने बताया है कि जो मैनेजर है उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग और डिवाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग कि मैं इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब पर, यानी कि ना कि रूल ऑफ थंब पर कि अंदाजे से कार्य किया जाए, इस पर नहीं ध्यान दिया जाना चाहिए।
नंबर एक तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को इन्होंने फाइंड आउट किया इंडस्ट्री की कि प्रोडक्टिविटी और लॉस की, तो उसका सबसे बड़ा पहला रीजन था लेजी मैनेजर। दूसरा समझिए, दूसरा है सोल्डरिंग। दूसरा क्या है दोस्तों? सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग को समझिए, सोल्डरिंग को क्या कहा इसने? सोल्डरिंग इज ए टेंडेंसी टू वर्क बिलो कैपेसिटी ऑफ ए वर्कर। अब समझिए सोल्डरिंग क्या, सोल्डरिंग का मतलब ये नहीं है वो वेल्डिंग करने वाला है, वो नहीं। सोल्डरिंग का मतलब है अपनी औकात से नीचे काम करना, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करने को क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग बोलते हैं। अब देखिए यहां पे इसने बताया, टेलर कहते हैं कि जो सोल्डरिंग है वो दो तरीके की होती है, सोल्डरिंग है वो दो तरीके की होती है, वन इज द नेचुरल सोल्डरिंग और अनदर इज द सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। पहली नेचुरल सोल्डरिंग और दूसरी सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। तो टेलर कहते हैं कि हर इंसान का काम को टालना और काम को ना करने की फितरत होती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। क्या बोलते हैं टेलर? हर इंसान की फितरत होती है काम को ना करना और काम को टालना। अब आप भी देख लीजिए, आप खुद अपने पे डाल लीजिए, दूर नहीं जाते, या मैं अपने पे डाल लेता हूं। मान लीजिए आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप सोचेंगे यार इस मैगजीन को कल सुबह से पढ़ते हैं, या सुबह दोपहर से पढ़ लेंगे, दोपहर से नहीं शाम से पढ़ेंगे। तो यानी कि काम को क्या करना, टालने की आदत होती है हर इंसान की। तो यहाँ पे नेचुरल सोल्डरिंग में टेलर बोलते हैं इसीलिए इसी तरीके से कहते हैं टेलर, वर्कर को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि टेलर ने जो भी बात कही, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते थे तो इन्होंने हर चीज वर्कर पे ध्यान दिया। तो टेलर बोलते हैं वर्कर वर्क लेस बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑफ लेजीनेस। तो टेलर बोलते हैं जो वर्कर होते हैं ना वो कम काम करते हैं। क्यों कम काम करते हैं? क्योंकि हर इंसान का एक नेचर होता है क्या? लेजीनेस का, आलकस खोर का, जिसको बोलते हैं ना आलकस, तू आलकस है, तुझे आलकस, लेजीनेस का, एंड अवॉइडिंग वर्क, और काम को अवॉइड करने का। ठीक, तो क्या बोलते हैं टेलर कि हर जो वर्कर होता है वो काम को या टालने की कोशिश करेगा या ना करने की कोशिश करेगा। तो इसके इसके लिए टेलर ने क्या बताया? टेलर ने इसको ये भी बताया कि इसको रेटिफाइड कैसे किया जा सकता है। तो उसने बताया कि एक तो मोटिवेट करो वर्कर को, या फिर उसको डराओ धमकाओ। अब इसको समझो, आपके घर में काम करने वाली बाई आती है, ठीक है, अब वो काम करने वाली बाई आती है, मान लीजिए वो ढंग से बर्तन साफ नहीं करती है, या ढंग से पोछा नहीं लगाती है, ठीक है, साफ सफाई ढंग से नहीं करती है, तो उसका एक तरीका ये है आप उसको मोटिवेट करो कि भाई अच्छे से बर्तन साफ किया करो, अच्छे से फर्श पे पोछा लगाया करो, अगर आप इस तरीके से अच्छा करोगे तो दिवाली पे हम आपको अच्छे से बोनस देंगे, और आपकी दो महीने बाद आपकी जो पगार है, जो सैलरी है, वो हम बढ़ा देंगे। तो एक तो ये मोटिवेशन का तरीका है। दूसरा, आप उसको धमका सकते हैं कि भाई ऐसा है, तेरे को हमने इतने पैसे में रखा है, हम तेरे 15 दिन के पैसे देंगे, हमें तेरे कम से दुष्ट नहीं है, तो डराओ। तो यही बात टेलर ने बोली। टेलर ने कहा जो सोल्डरिंग है, ठीक है, दो तरीके की होती है, वन इज नेचुरल सोल्डरिंग और दूसरी सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब है कि कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करना, यानी अपनी औकात से कम काम करना। तो नेचुरल सोल्डरिंग में बताया टेलर ने कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी एक खूबी होती है, या उनकी एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, या तो वो काम करेंगे नहीं या काम में लेट अटीवी करेंगे। तो उस लेट अटीवी से बचाने के लिए, काम कराने के लिए टेलर ने क्या पॉइंट दिए? वन इज मोटिवेशन एंड सेकेंड वन इज थ्रेट, यानी डराना। दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेजीनेस को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। क्या सिस्टमैटिक सोल्डरिंग? आप समझिए सिस्टमैटिक सोल्डरिंग क्या है। देखिए सिस्टमैटिक सोल्डरिंग समझिए, व्हेन ए वर्कर डेलिबरेटली वर्क लेस टू प्रोड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड गेट मोर सैलरी। अब समझो सिस्टमैटिक सोल्डरिंग मतलब, सोल्डरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करना। आपने देखा होगा, आप जैसे मकान बनते हैं, घर बनते हैं, तो जो दीवारें करते हैं ना मिस्त्री, राजमिस्त्री जो होते हैं जो दीवार बनाते हैं, आपने खूब कहावत सुनी होगी अपने घर में, परिवारों में, कि भाई मजदूरी पे काम करेगा कि ठेके पे काम करेगा। बोलते हैं ना कि मजदूरी पे काम करेगा कि ठेके पे काम करेगा। मजदूरी का मतलब है जितना तेरी रोज की तेरी झाड़ी रहेगी, जितना तू काम कर सकता कर, ठीक है, ठेके में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, तुझे एक कमरा बना के देना है, हम तुझे लमसम अमाउंट इतना दे देंगे। तो मजदूरी में क्या करता है जो आपका राजमिस्त्री होता है, वो क्या करेगा, वो काम को, जो काम एक दिन में दो दिन में हो सकता था, उसको क्या करेगा, क्या करेगा, चार दिन में करेगा। क्या करेगा? चार दिन में करेगा। क्यों करेगा चार दिन में या तीन दिन में क्यों करेगा? क्योंकि उसको मालूम है तेरा जितने ज्यादा से ज्यादा दिन तो आएगा। मान लीजिए आपने राजमिस्त्री को एक दिन के 250 रुपए देते हैं, कितने, एक दिन के 250 रुपए देते हैं, और वो दो दिन आएगा तो उसको कितने बनेंगे, 500 रुपए बनेंगे, 500 बनेंगे, ठीक। और अगर आप, वो उसको पता है
कि ये काम मैं 2 दिन में ना करके अगर 3 दिन में करूंगा तो 250 रुपए और बनेंगे, तो मुझे 750 रुपए मिलेंगे, 750 रुपए मिलेंगे। तो वो क्या करेगा, जान के कुछ उस काम को लेट करेगा, क्या करेगा, जान के उस काम को लेट करेगा। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सोल्डरिंग। क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सोल्डरिंग। इसका कारण क्या है, मतलब वो अपनी ज्यादा से ज्यादा सैलरी चाहता है, ठीक है, काम को बढ़ा के, काम का जो पीरियड है उसको बढ़ा देगा, जिससे उसको पता है कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिलेगी। यहां पे टेलर क्या कहते हैं, टेलर ये कहते हैं कि हम जो लोग हैं ना, हम क्या करते हैं, अटेंडेंस बेस्ड सैलरी प्रोवाइड करते हैं, अटेंडेंस बेस्ड सैलरी प्रोवाइड करते हैं, नॉट परफॉर्मेंस बेस्ड। मतलब जो अगर कोई मजदूर राजमिस्त्री अगर वो 3 दिन आएगा तो हम 3 दिन की उसकी सैलरी देंगे, हम उसकी परफॉर्मेंस पे उसको सैलरी नहीं दे रहे, परफॉर्मेंस पे सैलरी नहीं दे रहे, अटेंडेंस पे सैलरी दे रहे हैं। किसने बोला, ये टेलर ने ये बात की। और यहाँ पे टेलर क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि ही एडवोकेट द पीस रेट सिस्टम, उन्होंने एडवोकेट किया पीस रेट सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए। अब समझिए पीस रेट सिस्टम क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, पीस रेट सिस्टम समझिए। मान लीजिए गारमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, एक गारमेंट फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री की मैं बात करता हूँ। गारमेंट फैक्ट्री में मान लीजिए एक मजदूर आता है जो जो आप सिलाई करता है, ठीक है, शर्ट्स को सिलता है, सपोज कीजिए गारमेंट फैक्ट्री में शर्ट सिल रहा है, तो जो मजदूर जो शर्ट सिल रहा है उसको क्या है कि वो डेली आता है और उसको डेली के 250 रुपए मिलते हैं, कितने, 250 रुपए मिलते हैं डेली काम करने के, उसको 250 रुपए मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या कहा, जो टेलर कहते हैं कि इसको आप डेली बेसिस पे सैलरी मत दो, आप इसको पीस रेट सिस्टम करो। पीस रेट का मतलब आपने उस मजदूर से बोल दिया जो टेलर आ रहा था जो सिलाई कर रहा था गारमेंट फैक्ट्री में कि भाई आपको अब एक पीस के सिलने के 30 रुपए दिए जाएंगे, एक पीस सिलने के 30 रुपए दिए जाएंगे। तो अगर वो पूरे दिन में 30 पीस सिलता है तो उसको कितने मिलेंगे, 900 रुपए मिलेंगे। अगर वो एक दिन में 30 रुपए के हिसाब से कितने 20 पीस सिलता है तो उसको 600 रुपए मिलेंगे। तो यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड काम करना है, ना कि अटेंडेंस बेस्ड काम कराना है। इसको बोलते हैं पीस ऑफ सिस्टम, यानी कि जितने पीस आपने बनाए, जितने आपने प्रोडक्ट बनाए, जितना आपने कप शर्ट बनाई, उतने आपको उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो जो टेलर है उसने पीस रेट सिस्टम की बात करी, तो ये आपको पता होना चाहिए पीस रेट सिस्टम के बारे में किसने डिस्कस किया, तो दैट इज द फ्रेडरिक टेलर ने। तो फ्रेडरिक टेलर पीस रेट सिस्टम की बात, आप खुद भी देख लीजिए, आपको कहीं पे अगर आपको ये दे दिया जाए कि अबे 30 रुपए आपको एक शर्ट बनानी है, एक शर्ट के आपको 30 रुपए मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा शर्ट बनाने की, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शर्ट बनाने की आप कोशिश करेंगे। कोई भी ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा। अब वो ये सोचेगा, मान लीजिए अगर उसको आपको अटेंडेंस बेस्ड सैलरी दी जा रही है, तो वो सोचेगा सुबह 9 बजे आऊंगा और 5 बजे तक जितना काम होगा मैं 5 बजे करके निकल जाऊंगा, इससे क्या होगा, मुझे तो भाई 250 रुपए फिक्स मिलने हैं, कितने 250 रुपीज मुझे तो फिक्स मिले हैं अगर मैं 9 से 5 कम करूंगा। लेकिन अगर आपने पीस रेट सिस्टम काम कराया कि भाई अगर तू जल्द, तो क्या पीस रेट सिस्टम पे क्या होगा, जो टेलर जो गारमेंट फैक्ट्री में शर्ट सिल रहा है वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं शर्ट बनाऊं, तो वो 30 की जगह 40 शर्ट बना सकता है, 40 की जगह 50 शर्ट बना सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा शर्ट बनाने की वो कोशिश करेगा। राइट, क्लियर आपको यहां तक, तो समझ रहे कि जो आपका टेलर है फ्रेडरिक टेलर ने पीस रेट सिस्टम की बात करी और उसने ये कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू वर्क मोर। और अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको क्या करो, उसको बोनस दो, क्या जैसी परफॉर्मेंस है उसी के अकॉर्डिंग उसको बोनस दो। तो यहां फ्रेडरिक टेलर कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी फैक्ट्री के अंदर कितने 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो जैसी परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, जैसी परफॉर्मेंस करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या दिया जाए, बोनस दिया जाए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा कार्य है वैसा पैसा। ये किसने बोला, फ्रेडरिक टेलर ने बोला। आप समझ रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, फ्रेडरिक टेलर वर्कर की बात कर रहा है, फ्रेडरिक टेलर साइंस की बात कर रहा है, फ्रेडरिक टेलर इंडस्ट्री की बात कर रहा है, फ्रेडरिक टेलर परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, फ्रेडरिक टेलर एफिशिएंसी की बात कर रहा है, फ्रेडरिक टेलर बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहा है, बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहा है। लेकिन फ्रेडरिक टेलर ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन जो लाइन बोली जा रही है आप समझिए, क्या ये सारी की सारी लाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फिट होती है कि नहीं होती है। देखिए, क्या पब्लिक, क्या पीस रेट सिस्टम, यानी कि क्या करना है आपको, कार्य को टुकड़ों में तोड़ देना है, ठीक है, जो जितना टुकड़ा ज्यादा कर लेगा उसको
उसी के अकॉर्डिंग सैलरी दे दी जाएगी। तो आप इसको कोरिलेट कीजिए प्लीज, किससे कोरिलेट कीजिए, पब्लिक एडमिशन, समझिएगा ठीक। तो क्या क्या बात करी अभी तक, दो जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में दो बात करी इसने कि पहले इन्होंने क्या दी, मैंने आपको बताया इन्होंने जो इनके जिन्होंने कार्य किए उनके एक कार्य को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अभी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, तो इन्होंने दो प्रॉब्लम फाइंड आउट की थी, वन इज पुअर प्रोडक्टिविटी एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी। इन्हें फिर इनका इन्होंने कारण बताया कि इसके दो रीजन है, पहला है लेजी मैनेजमेंट और दूसरा है सोल्डरिंग, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा सोल्डरिंग दो तरीके की होती है, वन इज द नेचुरल सोल्डरिंग एंड थर्ड वन इज द सिस्टमेटिक सोल्डरिंग, राइट। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, क्या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, यानी कि यहां पे कहते हैं क्या जो फ्रेडरिक टेलर है वो कहते हैं, मैं आपको बता दूंगा रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब का मतलब अंदाजे से कार्य। तो यहां पे फ्रेडरिक टेलर कहते हैं, फ्रेडरिक टेलर ने हमेशा कहा कि अंदाजे से कार्य नहीं करना है, ठीक है, रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल नहीं करना है कि अंदाजे से आपने काम कर दिया, नहीं, आपको साइंटिफिकली अप्रोच का इस्तेमाल करना है, यानी साइंस का इन्वॉल्वमेंट किसी भी कार्य में ज्यादा से ज्यादा करना है। तो समझ रहे हैं, वहां वो फैक्ट्री की बात कर रहा था, किसके फैक्ट्री की बात कर रहा था, और यहां पे आप ध्यान लगाइए, अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या करना है, मजबूत करना है, अच्छा करना है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदाजे से कार्य नहीं करना पड़ेगा, रूल ऑफ थंब मतलब अंदाजे से किया गया कार्य, अंदाजे से कार्य नहीं करना पड़ेगा, आपको साइंस का इन्वॉल्वमेंट कराना पड़ेगा, मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम साइंस को साइंटिफिकली तरीके की को इन्वॉल्व कराना पड़ेगा, किसके अंदर, उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, किसने कहा, फ्रेडरिक टेलर ने कहा। फ्रेडरिक टेलर ने जो ये प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट है इस पे चार प्रिंसिपल दिए, कितने, फोर प्रिंसिपल दिए। तो पहला प्रिंसिपल क्या दिया, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, क्या दिया, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, ठीक है। क्या कहा इसके अंदर, इसके अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट्स पे बात किया कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ जॉब, ब्रेकिंग ऑफ जॉब इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, क्वांटिफिकेशंस ऑफ जॉब कंटेंट, ड्राइविंग द वन द बेस्ट ऑफ डूइंग वर्क, एंड थर्ड लास्ट वन इज द प्रोड्यूस मोर गेट मोर सैलरी। अब समझो इसको, इसको समझिए वन बाय वन, इसको अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो बहुत मुश्किल होगा, तो मैंने इसीलिए एक एग्जांपल लिया है। आप देख रहे हैं एक राजमिस्त्री क्या दीवार बना रहा है, क्या बना रहा है, दीवार बना रहा है। तो यहां पे फ्रेडरिक टेलर कहते हैं, ठीक है, कि आपको किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले, किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उसकी डीप स्टडी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, डीप स्टडी करनी चाहिए। अब ये देखिए, जैसे मिस्त्री है, ये राजमिस्त्री है, ये जो दीवार बना रहा है, तो इस दीवार को बनाने से पहले, एक मकान बना रहे, एक मकान बनाने से पहले उसको क्या होगा, वो अंदाजा लगाएगा, ठीक है, अंदाजा क्या मतलब, उसको एक मेजरमेंट करेगा कि अच्छा ये इतना बड़ा प्लॉट है, इस प्लॉट में मैं यहाँ पे प्लॉट पिलर खड़ा करूंगा, फिर इतने फुट पे मैं लेंटर रखूंगा। तो क्या उसके पास एक मेजरमेंट है, क्योंकि जो मकान बनते हैं वो अंदाजों से नहीं बनते, वो मेजरमेंट के थ्रू बनेंगे, ठीक है, मेजरमेंट करेगा कि इतने फुट पे, 12.5 फुट पे लेंटर होगा, इतने फुट पे लेंटर होगा, तो एक मेजरमेंट करेगा, ठीक। तो उससे पहले वो पूरे के पूरे प्लॉट है जिसके अंदर मकान बनेगा, उसकी एक बाकायदा स्टडी करेगा, बाकायदा क्या करेगा, एक खाका तैयार करेगा, एक मेजरमेंट्स करेगा, ठीक है। दूसरा उसने कहा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब, यानी कि जब वो कार्य शुरू करे तो उस जॉब के अंदर जो कार्य कर रहा है, मैं इसी एग्जाम्पल से लूंगा, जब ये मिस्त्री काम करेगा तो इसको कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, क्या करने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्या, समझिए क्या क्या स्टैंडर्ड। अब मान लीजिए ये क्या कर रहा है, ये मकान, ये दीवार बना रहा है, तो जब ये दीवार बनाए तो कुछ स्टैंडर्ड इसको फॉलो करने चाहिए, यानी कि जो ईंटें हैं उसके राइट हैंड पे होनी चाहिए, ठीक है, ईंटें जो हैं इसके राइट हैंड पे होना चाहिए, इस दीवार बनाने के लिए रेत और सीमेंट का क्या करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए कि भाई हम अच्छा इतना रेत मिलाएंगे तो इतना सीमेंट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड इसको फॉलो करना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये स्टैंडर्ड ये फुलफिल करता है तो क्या होगा, इसकी ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि मान लीजिए ईंटें ये बनाता जा रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे बनाता जा रहा है, ईंट रखता जा रहा है, अगर इसके उल्टे हाथ में ईंट रखी होगी तो बड़ी तेजी से रखता चला जाएगा, अदरवाइज सीधे हाथ में होगी तो ठाके रखेगा, ऐसे आगे ऐसे करेगा।
तो क्या करना है, स्टैंडर्ड सिस्टम को आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा किसी भी कार्य को करने से पहले। ये किसने कहा, ये फ्रेडरिक टेलर ने इस बात को बोली। उसके बाद कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ जॉब्स इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। कहते हैं कि अगर बहुत बड़ा कोई कार्य है, फ्रेडरिक टेलर कहते हैं अगर बहुत बड़ा कार्य है तो उसको क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। अब इसी से समझो, मैं इसी से एग्जांपल से आपको क्लियर करता रहूंगा। मान लीजिए बहुत बड़ी आपको एक बाग की चार दीवारी करनी है, बहुत बड़ी, तो ये नहीं कि आप सारी दीवार को निकाले, नीचे की एक एक ईंट रखे, फिर उस पहले एक ईंट ऐसे रखे सारे, मान लीजिए पूरा फील्ड है ऐसे, तो पूरे फील्ड की एक बार में आप दीवार बनाए, पहले एक लेयर रखें, फिर दूसरी लेयर रखें, फिर तीसरी लेयर रखें, नहीं। तो फ्रेडरिक टेलर कहते हैं आप क्या करो, इस पूरे की पूरी बाउंड्री को कई हिस्सों में ब्रेक कर लो, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लो। पहले इसको पूरा कर लो पूरा ऊपर तक, फिर इसको पूरा कर लो, फिर उसको पूरा कर लो। यानी कि आपको क्या करना है, जो बहुत बड़ा कार्य है उसको छोटी छोटी जॉब में क्रिएट कर लो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। इससे क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, यानी एफिशिएंसी अच्छी होगी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी और आउटपुट भी अच्छा आएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो भी गुड होगा। ये किसने कहा, ये कहा फ्रेडरिक टेलर ने इस बात को। फ्रेडरिक टेलर आगे बढ़े, क्वांटिफाई योर जॉब कंटेंट, ठीक है, जो भी जॉब कंटेंट है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए पहले कि हमें करना क्या है। अब ये ना हो कि मान लीजिए आप दीवार बना रहे हैं, ठीक है, बनाना क्या है कि दीवार बनानी है, दीवार पे 12 फुट पे हमें लेंटर गेरना है, मकान बनाना है, समझिए लेंटर जो होता है आप समझ रहे हैं, ऊपर जो छत होती है उसको लेंटर बोलते हैं, ठीक। मैं इसलिए साधारण भाषा में ले रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब पता लगे कि 12 फुट पे लेंटर गिरना और आपने दीवार ही 15 फुट की बना दी है, नहीं, तो पहले आपको जॉब कंटेंट जो है वो अच्छे से आपको समझना है कि हमें करना क्या है, एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो यहां पे बोला जाता है क्या, क्वांटिफिकेशन ऑफ जॉब कंटेंट, दूसरा ड्राइविंग वन बेस्ट वे टू डूइंग वर्क, और आपको अच्छे से अच्छे जो कोई भी एक तरीका, जो बेस्ट तरीका है वो आप ले लीजिए, जिससे आप इसको क्या करें, परफॉर्म कर पाए इस फंक्शन को। क्या बोला, ड्राइविंग वन बेस्ट वे टू ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी एक सही तरीका, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूं, जैसे आप खुद भी देख लो, आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, तमिलनाडु बोर्ड भी पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ते हो, तो ऐसी बात बोलता है, क्या बोलता है फ्रेडरिक टेलर, बोलते हैं कि 70 काम ना करने से अच्छा केवल एक कोई तरीका अपना लो। तो इसी तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, फिर आप तमिलनाडु बोर्ड पढ़ते हो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, इन सबको ना पढ़ के कम से कम एक तो अच्छे से कर लो। अगर आप तीनों अच्छे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम कोई एक रास्ता, कोई एक किताब बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो वही बात यहाँ फ्रेडरिक टेलर कह रहे हैं, किसी काम को करने के 70 तरीके से अच्छा है कोई भी एक तरीका अच्छे से किया जाए, राइट। किसने बोला है, फ्रेडरिक टेलर ने ये बात बोली। और कहते हैं प्रोड्यूस मोर गेट मोर सैलरी, और कहते हैं फ्रेडरिक टेलर कहते हैं मान लीजिए आपको अगर ज्यादा आउटपुट चाहिए तो आप ज्यादा सैलरी दो, क्या करो ज्यादा सैलरी दो। अब मान लीजिए यही देखिए, एक मिस्त्री जो काम कर रहा है, राजमिस्त्री जो दीवार बना रहा है, इसको आपने कह दिया है, मान लीजिए ये धीरे धीरे काम कर रहा है, आपको इसने कह, आपने इससे कह दिया भाई ऐसा है मिस्त्री जी, आपको जो आपकी जो डेली की जो मजदूरी है वो 300 रुपए है, आपको 300 रुपए मिलेगा, अब आपको कितना मिलेगा, 400 रुपए दिए जाएंगे अगर आप इस हिसाब से काम करोगे, आप अगर आप थोड़ी तेज गति से करोगे आपको 400 रुपए दिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा ये बंदा, क्या करे तेजी से काम करेगा, इसको लगेगा हाँ भाई देखो मेरे को 400 रुपए मिल रहे हैं तो मुझे काम तेजी से करना चाहिए। तो ये फ्रेडरिक टेलर बोलते हैं प्रोड्यूस मोर गेट मोर सैलरी, अगर आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है, चीजें ज्यादा बनानी है, तो आपको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। क्लियर, आपको इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें बोलते हैं आपके जो फ्रेडरिक टेलर हैं, एक बात और बोलते हैं फ्रेडरिक टेलर ने कहा, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। समझिए क्या बोलते हैं फ्रेडरिक टेलर, फ्रेडरिक टेलर बोलते हैं कि अगर आपको, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की गई है, यानी आपको साइंटिफिकली तरीके को इवॉल्व करना है, ठीक है, इन्वॉल्व कराना है किसमें, ना कि आपको रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चार, इन्होंने चार पॉइंट्स बताए, चार प्रिंसिपल बताए। तो पहला प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, ठीक है, सही तरीका क्या है, सही तरीका अपनाओ, सही तरीका क्या है काम करने का, तो सही तरीके में कहते हैं 6 पॉइंट थे, ठीक है। वन इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब, ब्रेकिंग ऑफ जॉब इनटू स्मॉलर एलिमेंट, क्वांटिफिकेशन ऑफ जॉब कंटेंट, ड्राइविंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क और प्रोड्यूस मोर गेट मोर सैलरी। उसके बाद ये क्या बोलते हैं फ्रेडरिक टेलर, ये बोलते हैं कि साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। यानी कि अगर आपको इंडस्ट्री में, आपको फैक्ट्री में या कंपनी के अंदर जो एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है और प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, याद रखिएगा फ्रेडरिक टेलर ने केवल दो वर्ड पे काम किया हमेशा, प्रोडक्शन पे के बढ़ाने पर और वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाने पर, इन दो पे काम किया, केवल और केवल इन दो पे ही बात की। तो फ्रेडरिक टेलर कहते हैं अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ाना है या फिर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको तीन पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। नंबर एक, सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। जब वर्कर का सिलेक्शन करते हैं तो उस पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि किसी भी वर्कर को आपने सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जूते बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री शूज बना रही है उसके अंदर आपने कप बनाने वाले वर्कर से ले लिए। नहीं, आपके पास मान लीजिए अच्छे वर्कर नहीं ढूंढ पा रहे तो ठीक है यार इसको लिख लेते हैं, इसको ही सिखा लेते हैं, इसको ही सिखा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कैटेगरी की आपकी फैक्ट्री है, जिस कैटेगरी की इंडस्ट्री है, उसी कैटेगरी के आपको क्या करने हैं, वर्कर्स का क्या करना है, सिलेक्शन करना है, नंबर एक बात। दूसरी बात बोलते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग मतलब कि उन्होंने कहा कि आपकी जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है जिसमें वो जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी समय समय पर ट्रेनिंग करवाते रहिए। क्या कराते रहिए? ट्रेनिंग कराते रहिए। ट्रेनिंग कराने से क्या होगा, उनको एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे क्या होगा आपकी जो फैक्टर कॉस्ट है, क्या है जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब समझिए क्या होता है, इसको समझिएगा ऐसे, एक बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री है, क्या है एक बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री है और उसमें क्या है, उसके जो पांच वर्कर हैं वो पूरे दिन के अंदर मिलकर 50 बल्ब बनाते हैं। कितने? 50 बल्ब बनाते हैं, ठीक। तो या तो एक तरीका ये है, अगर आपको बल्ब ज्यादा बनाने हैं तो आप क्या करिए, 5 की जगह 10 वर्कर रख लीजिए, कितने 10 वर्कर रख लीजिए और ये 10 वर्कर क्या करेंगे 100 बल्ब बना देंगे, फिर हम कितने 100 बल्ब बना देंगे। या फिर जो फ्रेडरिक टेलर कहते हैं कि आप एक काम करो, इन 5 वर्कर को ही ट्रेनिंग दो, क्या करो इनको टेक्निकल ट्रेनिंग दो और इस तरीके से ट्रेनिंग दो कि अभी 5 वर्कर ही क्या करें 100 बल्ब बनाए, क्या करें 100 बल्ब बनाए और बस आपको क्या करना है, जो आपका जो प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट में से इनको भी इनका कुछ हिस्सा दिया जाए ताकि ये मोटिवेट रहें, ये अब फुल एफिशिएंसी से काम करें। ये किसने कहा आपके, ये कहा आपकी बात फ्रेडरिक टेलर ने। उसके बाद उसने बोला डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, यानी समय समय पर उनके स्किल्स को एनहांस कराया जाए, डेवलप कराया जाए। अब सपोज इसको एक एग्जाम्पल दिया फ्रेडरिक ने दिया कि माल ये इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं आपको बताना ना पड़े, हायर जो मैनेजमेंट है उसको बताना ना पड़े कि अगर आप प्लांट के अंदर से निकल रहे हैं तो सिर पर कैप ओढ़ के जाए, हेलमेट पहन के जाए, या फिर जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं तो आपको आपके आंखों पे चश्मा पहनना पड़े, ये मैनेजमेंट को बताना ना पड़े अपर मैनेजमेंट को। मतलब इस तरीके की उनकी स्किल्स हो, ऑटोमेटिकली वो क्या करें जब भी प्लांट से कोई वर्कर निकल के जाए तो हेलमेट पहन के जाए, सोल्डरिंग कर रहा है यानी वेल्डिंग कर रहा है तो आंखों पे चश्मा पहने। तो ये एक आपको स्किल, उनको उनकी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, वो चीजों को समझे, ठीक है। तो यानी तीन पॉइंट्स पे बात करी उन्होंने फ्रेडरिक टेलर ने, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, आप जब वर्कर सेलेक्ट करें तो उसमें साइंटिफिकली अप्रोच की बात की गई उन्होंने, कि ऐसा ना हो कि जूते बनाने वाली कंपनी के लिए आपने कंप्यूटर बनाने वाले वर्कर्स को रख लिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। दूसरा, ट्रेनिंग की बात करी और डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स की बात करी। तो इसमें इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला हायरिंग ऑन बेसिस ऑफ एटीट्यूड एंड राइट एप्टीट्यूड, ठीक है। जब आप हायरिंग कर रहे हो, जो मैंने बताया ना, जब आप हायरिंग कर रहे हो किसकी, वर्कर्स की, तो किसके बेस पे होना चाहिए, एटीट्यूड के बेस पर और राइट एप्टीट्यूड के बेस पर। तो समझ रहे हैं मैंने आपसे क्या कहा, फ्रेडरिक टेलर ने सब कुछ बोला इंडस्ट्री के बारे में, किसके बारे में बात करी, इंडस्ट्री के बारे में बात करी। ऋषभ जी नमस्कार, कैसे हैं आप, ठीक है। तो फ्रेडरिक टेलर ने सब कुछ बात करी किसके बारे में, फ्रेडरिक टेलर ने सब कुछ बात करी आपके इंडस्ट्री के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन पढ़ाया क्या जा रहा है आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जा रहा है फ्रेडरिक टेलर को। क्यों?
आप समझो इस वर्ड को। इसने बोला, फ्रेडरिक टेलर ने बोला, ये वर्कर के बारे में बात कर रहा है कि वर्कर को हायर करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड एंड राइट एप्टीट्यूड। अगर मैं यहां वर्कर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगा दूं कि एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड एंड राइट एप्टीट्यूड, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप देखो, इसीलिए यूपीएससी इतनी कालगुजारी करती है एक एडमिनिस्ट्रेटर को चूज करने में। एक आईएएस एस्पायरेंट से आईएएस बनाने के लिए लगभग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग 1.5 साल खर्च करती है एक अच्छा कैंडिडेट चूज करने में। क्यों? क्योंकि ये बात भी फ्रेडरिक टेलर ने बोली है। फ्रेडरिक टेलर ने इसको वर्कर की निगाह से देखा। उसने कहा कि आपको जो वर्कर चुनना है ना, तो इसमें साइंटिफिकली अप्रोच इस्तेमाल करनी है। आपको वर्कर को जो चुनना है उसके एटीट्यूड और राइट एप्टीट्यूड के बेस पर चुनना है। यही काम यूपीएससी करती है। यूपीएससी क्या करती है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को चुन रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड और राइट एप्टीट्यूड, यानी कि यूपीएससी साइंटिफिकली अप्रोच इस्तेमाल कर रही है एक कैंडिडेट को चूज करने में। क्लियर है आपको? हेलो, कैसे हैं आप? प्रवीर मिश्रा, ठीक। दूसरा बात करी उन्होंने, रेगुलर ट्रेनिंग फॉर स्किल एनहांसमेंट। ठीक, रेगुलर ट्रेनिंग एंड और स्किल एनहांसमेंट। अब समझो, फिर बोल रहा हूं, फ्रेडरिक टेलर वर्कर की बात कर रहा है। फ्रेडरिक टेलर बोल रहे हैं कि लगातार वर्कर की समय समय पर ट्रेनिंग कराते रहो। किस लिए? ताकि उसकी स्किल क्या हो, एनहांस हो। अब आप देखिए, आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बंदा जो फ्रेडरिक टेलर है इंडस्ट्री की बात कर रहा है, फैक्ट्री की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, उसके बावजूद इसको जगह कहां मिली? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों जगह मिली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? अरे, जो बात फैक्ट्री पे इसने बताई है वही बात एडमिनिस्ट्रेटर पे लागू हो रही है, वही बात एडमिनिस्ट्रेशन में लागू हो रही है। तो यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी जगह दी गई। ये बोल रहा है कि आपको वर्कर जो है, जो मजदूर है, ठीक है, जो आपके मजदूर हैं, वो उनको क्या करना है, समय समय पर आपको ट्रेनिंग देके देनी है ताकि उनकी स्किल बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? उनकी स्किल बढ़ जाए। ये किसने बोला? ये बोला फ्रेडरिक टेलर ने। तो इसी तरीके से जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, तो आप देखिए, सिविल सर्वेंट का ऐसा नहीं होता कि एक बार ट्रेनिंग हो गई आपकी मसूरी में तो वो एक ही बार हो जाएगी। नहीं, समय समय पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपकी स्किल क्या हो जाए, एनहांस हो जाए। अब मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट बन गए, ये थोड़ी है कि आप वो आईएएस बन गए तो आपको डीएम का ही पद मिलेगा, डीएम का चार्ज मिलेगा। नहीं, आप हो सकते हैं कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाएं, ठीक है, वहां पे सचिव बन जाएं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आप चले गए तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आपका जो सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड एंड राइट एप्टीट्यूड के बेस पर होगा, और आपको उसकी ट्रेनिंग मिलेगी ताकि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी। आप आजकल जैसे साफ सफाई में, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला सैनिटेशन वाला, अगर आपको उसके लिए कोई कार्य दिया गया तो उसके लिए ट्रेनिंग होगी। यानी समय समय पर आपकी अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऋषभ, थैंक यू। ठीक, तो क्या है कि आपको जो भी, जब भी आप, जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, क्योंकि आप बनेंगे ये तो निश्चित है ना, अगली बार आप 2021 बन जाएंगे, तो आप देखिएगा आप एक बार ट्रेनिंग नहीं होगी आपकी, मतलब समय समय पर, जैसे आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा आपकी ट्रेनिंग, जैसे आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा आपकी ट्रेनिंग। और खुद भी मैं काफी सारे ऐसे सर्वेंट्स को, सिविल सर्वेंट्स को जानता हूं जो खुद भी ट्रेनिंग लेने जाते हैं जब उनको लगता है कि वो थक गए हैं इस कार्य को करते करते लगातार, क्योंकि बट टिपिकल टास्क तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि बहुत आसान काम है। जब हम लगातार थक जाते हैं तो थकने के बाद क्या होता है, सिविल सर्वेंट उस काम से रिलैक्स रहते हैं, ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, मतलब स्किल को डेवलप करने के लिए मसूरी चले जाते हैं कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, अभी हमारा क्या है, माइंड काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे जाते हैं वहां पे। ठीक है, ये बात फ्रेडरिक टेलर बोल चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा, दे शुड बी साइकोलॉजिकल ट्रेंड टू अडोप्ट न्यू मेथड्स एंड टू बी प्रोग्रेसिव एंड चेंज ओरिएंटेड। फ्रेडरिक टेलर कहते हैं कि जो वर्कर है ना, वर्कर की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग क्या करानी चाहिए, ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए समय समय पर। क्यों? क्योंकि जब उनको कोई नया मेथड दिया जाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है, मार्कर बनाने की कोई फैक्ट्री है, जो मजदूर लगातार मार्कर बना रहे हैं। अब मान लीजिए कोई नई टेक्निक आ गई मार्कर बनाने की, या एक नया मार्कर मुझे बनाना है, ठीक है, मान लीजिए मार्कर है मुझे एक स्लिम मार्कर बनाना है, बड़ा थोड़ा बड़ा मार्कर है और छोटा मार्कर चलना है, बनाना है जिसकी ड्यूरेशन लंबी हो, लंबे समय तक वो काम करे, ठीक।
तो अगर मुझे ऐसा मार्कर बनाना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मजदूरों को समझाना पड़ेगा। तो उनको मजदूरों को समझाने से पहले उनको एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी होगी। ये कौन बोलते हैं, फ्रेडरिक टेलर। यही काम आपके साथ होगा जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, आपको जब भी कोई नया टास्क दिया जाएगा, शुरुआत में जब भी कोई नया टास्क दिया जाएगा, तो आपको नए टास्क से पहले एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग आपकी होनी जरूरी है। क्या होना, एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होनी आपकी जरूरी है। तो ये किसने बोला, ये बताया आपके फ्रेडरिक टेलर ने। तो फ्रेडरिक टेलर की आज हमने क्या पढ़े, जो फ्रेडरिक टेलर का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसके अंदर मैंने चार पॉइंट बताए, चार प्रिंसिपल। इसमें से हमने दो ही प्रिंसिपल पढ़े, दो जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। और हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं क्विक रिविजन करा देता हूं आपका। फ्रेडरिक टेलर के बारे में जाना कि फ्रेडरिक टेलर कौन थे। फ्रेडरिक टेलर सिविल इंजीनियर थे, ठीक है, इंजीनियर थे, इंडस्ट्री में काम किया, फैक्ट्रीज में काम किया, ठीक है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन जगह कहां मिली, इनके जो थॉट्स थे, जो इनके विचार थे, जो इनकी थ्योरीज थी, साइंटिफिकली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की जो थ्योरी थी, उसको जगह कहां मिली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक बात कही, बस याद रखिए, जैसे वुड्रो विल्सन ने हर थिंकर की एक एक पॉइंट याद रखी है। जैसे वुड्रो विल्सन ने कहा, वुड्रो विल्सन ने क्या बात कही थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एक्टिविटी नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, यानी कि पब्लिक डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब स्टडी, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना भी चाहिए। ये किसने कहा, वुड्रो विल्सन ने कहा। फ्रेडरिक टेलर ने क्या बात कही, फ्रेडरिक टेलर ने ये कही कि किसी भी काम को करने के लिए साइंटिफिक नजरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नजरिया होना चाहिए, ठीक। आपको रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम नहीं है कि अंदाजे से काम कर दो, अंदाजे से कुछ नहीं करना, सब काम आपको क्या करना है, साइंटिफिकली वे में करना। फॉर एग्जाम्पल, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कल को आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे, ठीक है। तो जब आप आईएएस बन जाएंगे तो मान लीजिए कहीं राइट्स हो गए, सपोज कीजिए कर्नल राइट्स हो गए, कहीं दंगा हो गया, तो अब आपको डिसीजन लेना है, तो आप क्या करेंगे, पुलिस वाले से कहेंगे बजा दे डंडा, तबियत से पेल दो, आज सबको फिट हो जाएंगे सारे। ऐसे थोड़ी क्या हो गया, आपके बजाओ बढ़िया करके लाठी चार्ज कर दो, ठीक हो जाएंगे, नहीं, हो सकता है उससे लोगों के अंदर और एग्रेशन हो जाए और भड़क जाए दंगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक साइंटिफिकली अप्रोच इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपको क्या करना, अच्छा वहां पे ऐसा दंगा हुआ था, ये एक्शन लिया गया था, अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि साइंटिफिकली आपको मैनर्स का इस्तेमाल करना है, साइंटिफिकली अप्रोच का इस्तेमाल करना है, राइट। देखो आपके मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि फेडरिक जो टेलर हैं उनके बारे में, वो उनका जन्म कब हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या दे दी जाएगा, एक लाइन दी जाएगी, जैसे मैंने आपके अभी बताया रूल ऑफ थंब। क्या रूल ऑफ थंब, व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ थंब, ठीक है, गिव योर व्यू, अपने व्यू दो। अब रूल ऑफ थंब किसने लिखा, फ्रेडरिक टेलर ने। याद रखिएगा, मेंस में चाहे जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, 4 हो, एसए हो, या आपका ऑप्शनल हो, याद रखिए कोई भी क्वेश्चन को करने का केवल एक ही तरीका है, वो क्या है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा उसका बॉडी पार्ट, और थर्ड वन इसका कॉन्क्लूजन। तो अगर आपने जैसे आया रूल ऑफ थंब, तो अगर आपको पता है कि ये फ्रेडरिक टेलर ने दिया है, किसने दिया है, फ्रेडरिक टेलर है, तो आप क्या करेंगे, रूल ऑफ थंब के इंट्रोडक्शन में अगर आपने जहां से भी फ्रेडरिक टेलर का जिक्र कर दिया, तो जब कॉपी चेक करने वाले, वो थोड़े से आज बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, तो वो उनका क्या होता है नजरिया, क्योंकि मैं इतने साल से देख रहा हूं, वो क्या करते हैं, उनका क्या नजरिया है कि जो उन्होंने सोच के बैठ गए, अगर किसी ने वैसा लिख दिया तो उसको तो देंगे नंबर बढ़िया, अदरवाइज फिर एक एवरेज नंबर दे जाते। अगर उन्होंने देख लिया कि लड़के ने फ्रेडरिक टेलर का जिक्र किया, स्टूडेंट ने फ्रेडरिक टेलर का जिक्र किया है, तो वो समझ जाएंगे कि ये जानता है। रूल ऑफ थंब की बात किसने की थी, रूल ऑफ थंब की बात की फ्रेडरिक टेलर ने, या फिर हिट और मिस की बात किसने करी, फ्रेडरिक टेलर ने बात करी। तो आपने जैसे इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि फ्रेडरिक टेलर एक चीफ इंजीनियर थे, ठीक है, जिन्होंने जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिनको कहा जाता है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा कुछ ना कुछ जानता है, इसको मालूम है। तिवारी जी, ये मेरी आज फोर्थ क्लास है, मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, आप पहली बार आए तो बता दो, आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सबसे कम सिलेबस है जितने भी ऑप्शनल है, नंबर बात, नंबर दो बात, नंबर इसमें कम आते हैं। क्यों कम आते हैं, क्योंकि हम एक घसड़ पसड़ वाला शुरू सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं। 150 नंबर के 250 नंबर के पेपर में, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की बात करूं, 250 के में कितने नंबर आते हैं, 90 नंबर, 92 नंबर, 89 मार्क्स,
कैसी, दोनों का मिला के देखो तो बहुत कम मार्क्स आते हैं। अगर आपको 300 प्लस मार्क्स लाने, 300 प्लस, ऐसी बात नहीं आते हैं, खूब आते हैं, 300 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको एक सिस्टमेटिकली वे में इसको पढ़ना पड़ेगा, ना कि पहली यूनिट पढ़ ली फिर दूसरी पढ़ ली फिर तीसरी पढ़ ली, ये तरीका नहीं है। आपको पहले, मैंने पहली क्लास कराई है वो डेफिनेशन कराई है कि पब्लिक एडमिशन है क्या, ठीक है, ये आपकी पब्लिक एडमिशन क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग थिंकर्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या डेफिनेशन दी, ये पढ़ाया। उसके बाद मैंने थिंकर्स शुरू कर दिए, थिंकर्स में मैंने पहले वुड्रो विल्सन पढ़ाया, वुड्रो विल्सन की दो क्लास हुई, अभी आज फ्रेडरिक टेलर है, फ्रेडरिक टेलर की आज फर्स्ट क्लास है, कल को एक नेक्स्ट क्लास भी फ्रेडरिक टेलर की होगी, तो क्या, तो दो पार्ट में मैं कराता हूं, ये मेरा एक तरीका है कराने का, तो ठीक है। तो हमने फ्रेडरिक टेलर के बारे में बताया, मैंने आपको फ्रेडरिक टेलर के बारे में पता होना चाहिए, फ्रेडरिक टेलर क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लिख सकते हैं, तो आपका सवाल अच्छा हो जाएगा, आंसर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने बात करी साइंटिफिकली मैनेजमेंट ऑफ स्कूल की, जो आपको जो थ्योरी इसने दी है फ्रेडरिक टेलर ने, उसके बारे में बात करी मैंने, रूल ऑफ थंब की बात करी कि किसी भी चीज को अंदाजे से नहीं बनाना चाहिए, किसी भी चीज में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, साइंटिफिकली अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हमने, मैंने बात करी कि फ्रेडरिक टेलर के तीन कंट्रीब्यूशन है किसी को काम भी करने में, इस कार्य को करने में, नंबर एक आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को पहले उसने बताया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और थर्ड वन इज एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, दो तरीके की प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री में, क्योंकि इसने इंडस्ट्री की बात करी, हमने इसके थ्योरी को उठा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया, इसने कहा किसी भी फैक्ट्री के अंदर दो ही प्रॉब्लम होती है, एक पुअर प्रोडक्टिविटी की, एक लो ऑफ एफिशिएंसी की, इसको दूर करने के उसने बताया कि ये, इसने बताया कि पुअर प्रोडक्टिविटी होती क्यों है, लो एफिशिएंसी क्यों होती है, तो एक लेजी मैनेजमेंट के थ्रू, आलसी मैनेजमेंट मैनेजर का होना, दूसरा सोल्डरिंग, सोल्डरिंग दो तरीके की होती है, नेचुरल सोल्डरिंग और सिस्टमैटिक सोल्डरिंग, ये दो मैं दोनों बता चुका हूं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी, ये भी आपको मैं एक बार क्लियर कर चुका हूं, एक बार देख लीजिएगा, और बाकी आपका लास्ट में सिलेक्शन, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में यही था, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फ्रेडरिक टेलर को भी और पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेडरिक टेलर, याद रखिए मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई सब्जेक्ट की, जीएस पेपर वन और सॉरी पब्लिक एडमिशन पेपर वन एंड पेपर टू की, अगर आपने थिंकर्स को अच्छे से कर लिया तो समझ लीजिए आपका 95% सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 95% सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? कुछ भी क्वेश्चन आए साइंटिफिक थिंकर्स को उठाया, ऐड कर दिया। ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको फ्रेडरिक टेलर के बारे में बताइए, वुड्रो विल्सन के बारे में बताइए, नहीं, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपको एक बाकायदा एक लाइन दे दी जाएगी कि ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाउ डिफर टू द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको दे दिया। अब आपको या दोनों के अंदर आप डिफरेंशिएट कीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। अब इनके अंदर आपने थिंकर्स को, भी कई सारे थिंकर्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, उनकी क्या अप्रोच थी थिंकर्स की, उन अप्रोच को अगर आपने ऐड कर दिया तो समझ लीजिए आपका जवाब जो होगा लाजवाब हो जाएगा, नहीं सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको खुल के मार्क्स देगा टीचर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, या मेरे से बात करनी है, यू कैन कॉल मी थ्रू टेलीग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि मैं भी करा करता था जब मेरे टीचर थे, कह रहे ऐसी बात कर लो, बहाना लेके बात कर लेते, सर वो सब्जेक्ट पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बात करनी हो बात कर लो, नो इश्यू, लेकिन रिगार्डिंग योर स्टडी, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ हम इस बार सिलेक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, राहुल _ इकोनॉमिक्स, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, और हाँ, अगर आप इफ यू आर गोइंग विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन तो यू कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज RSB1। चलिए फिर आज के लिए इतने, सर रिसोर्सेज प्लीज, रिसोर्सेज मतलब, अच्छा कहां से पढ़ना है आपको, डोंट वरी, मैं इसके लिए एक लेक्चर आपको, मेरे लड़के तैयार कर रहे हैं जो पीपीटी बनाते हैं, मैं जल्दी ही इस पे बताऊंगा आपको कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, और अदरवाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट विल बी सफिशिएंट, वो बहुत है यार, इतना नहीं लिखना, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप लिख सकते हैं, जैसे आज के लिए मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं, आप लिख दीजिए रूल ऑफ थंब पे आपको 10 लाइन लिखनी है, कितनी, 10 लाइन लिखनी है, और ज्यादा लिखते हैं तो वेल एंड गुड, कम से कम 10 लाइन लिखिए, और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, इन 3 हिस्से में लिखिए, मुझे आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं।
चलिए फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुस्कुराते रहिए, खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को मुस्कुराने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर मुस्कुराना छोड़ दिया तो एक दिन ऐसा आएगा आपके नाम का फंक्शन होगा, आप गैर हाजिर होंगे, सब लोग आपके नाम का डिनर करेंगे और आप वहां उपस्थित नहीं होंगे। तो मुस्कुरा